आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कांग्रेस से सिंधिया का जाना वाकई में कांग्रेस के लिए एक बुरा वक्त है, एक बुरा काल है। कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। सिंधिया को भी निशाने पर लिया जा रहा था कांग्रेसी नेताओं द्वारा, उनके पोस्टर लगा दिए गए कि सिंधिया गायब है। लेकिन अब ज्योतिराय सिंधिया 1 जून को भोपाल का दौरा करेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने की कवायदें भी जारी रखेंगे। आपको याद होगा 20 से 22 विधायक सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन इससे भी बुरी यह खबर है कि इन दो दिनों के भीतर करीब 200 ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। 200 कांग्रेसी नेता, वह विधायक नहीं थे, नेता थे, पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करते थे, जिनकी आवश्यकता होती है वही बेस होते हैं और वही पार्टी के असली कार्यकर्ता होते हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, और वही 200 नेता अब भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल कहना होगा ज्योतिराज सिंधिया की लोकप्रियता जितना कांग्रेस के लिए लाभकारी साबित होती थी, वही लोकप्रियता अब कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रही है। 20 विधायक चले जाते हैं, अब 200 नेता आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी मुश्किल होगी। अब उससे पहले भी 15 साल शिवराज सिंह चौहान रहे, कांग्रेस वैसे भी फ्रंट पर नहीं आ पा रही थी, फ्रंट फुट पर नहीं आ पा रही थी। एक सरकार आती है लेकिन आपका लोकप्रिय नेता आपकी पार्टी छोड़ देता है, तो अब बिल्कुल मौजूदा समय में यह लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो एक पताका था वह हमेशा फहरता रहेगा, लहराता रहेगा जनता के बीच में। कांग्रेस की आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह गई कि ज्योतिराज सिंधिया को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा? हम अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि कांग्रेस की कमियां बिल्कुल नहीं थी, जो पार्टी की कमियां हैं वह अलग हैं, वह हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया के संबंध में हमने सिर्फ यही कहा है कि वह कम से कम एक सत्ताधारी दल के साथ ही रहना चाहते हैं, भले ही उन्हें कोई भी पद मिले। कांग्रेस में वह पद को लेकर गुस्से में नहीं थे, बल्कि कांग्रेस का अब सत्ता में आ जाना एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, सत्ता में आ जाना मुश्किल है, कम से कम एक लंबा समय उन्हें लगेगा। तो ज्योतिराज सिंधिया कहीं ना कहीं सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते हैं, आखिर पद कोई भी हो। अब तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है, उनके सभी जो बागी विधायक हैं उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है, उसके बाद लगातार वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।